Hello everyone, Food Tech Insight back with another informative video. In this video, I am going to tell you about FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India. So I am going to discuss about FSSAI, that what is FSSAI, from where it came and what are the roles played by FSSAI. Food Safety and Standard Authority of India जो 5th of September 2008 को establish हुआ, किसके अंडर establish किया गया, ये Food Safety and Standard Act 2008 से ये establish हुआ. So काफी जगह पे आप देखोगे, यदि आप search करोगे तो इसका जो establishment year है वो 2011 show करता है. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2008 में ये form हो गया था, but actual apply ये 2011 से स्टार्ट हुआ. तो अब जानते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट क्या होता है. ये एक ऐसा एक्ट है जो अर्लियर जो भी ऑर्डर्स थे या एक्ट थे उसको कंसोलिडेट करता है. जो अर्लियर जो ऑर्डर्स थे जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता था, उनको ये कंसोलिडेट कर दिया और ये एक सेंट्रल बॉडी की तरह एक्ट करता है. तो ये सभी चीजों को एक साथ हैंडल करने का काम करता है. तो चलो देखते हैं वो कौन कौन से ऑर्डर थे, 7 ऑर्डर जिन्हें ये कंपाइल किया. तो पहला था, ये था आपका प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, 1954 में आया ये. फिर है आपका फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, 1955 में आया. फिर वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट था ऑर्डर, ये 1947 में आया. देन आप देखोगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल मील एंड एडिबल फ्लावर ऑर्डर, ये 1967 में आया. मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973 में आया. एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग ऑर्डर 1988 में आया. और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के का ऑर्डर ये 1992 में आया. तो इन सभी ऑर्डर्स को एक साथ मर्ज करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बनाया गया. सो ये क्या करता है, ये एक अम्ब्रेला की तरह वर्क करता है जो सारे ऑर्डर्स को एक साथ कंपाइल करता है, अपने अंदर रखता है. तो क्या क्या एम है इस एक्ट का. तो पहला है, ये एक सिंगल विंडो प्रोवाइड करता है, एक सिंगल लाइन का कमांड प्रोवाइड करता है. किनके लिए प्रोवाइड करता है, जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में, प्रोसेसिंग में, हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंपोर्ट करते हैं या फूड सेलिंग करते हैं, उनको गाइड करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल लाइन का कमांड प्रोवाइड करना इसका एम है. दूसरा क्या है, हमको कंज्यूमर को सेफ फूड प्रोवाइड करना है. कि कैसे प्रोवाइड करेंगे, फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम से एंड प्रॉपर स्टैंडर्ड सेटिंग करके हम कंज्यूमर तक सेफ फूड प्रोवाइड करेंगे. फिर देखते हैं कि एफएसएसएआई का क्या क्या रोल है. तो पहला तो है कि फूड आर्टिकल के बारे में इसका रूल्स बनाना, रेगुलेशंस देना, साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना, गाइडलाइंस देना, ये काम करता है. नेक्स्ट क्या करता है, ये जो भी सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं या लेबोरेटरीज हैं उनके एक्रीडिएशन के लिए ये गाइडलाइंस बनाता है कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके लिए. देन है आपका, यदि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यदि फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई रूल्स या पॉलिसी बनाना चाहता है तो FSSAI उसको साइंटिफिक एडवाइस दे सकता है या टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है आपका कि फूड कंजम्पशन या फूड कंजम्पशन के ऊपर या बायोलॉजिकल रिस्क, फूड में जो कंटेमिनेंट्स हो जाते हैं, क्या क्या कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं और कंटेमिनेंट्स के क्या क्या रेसिड्यूस हो सकते हैं फूड में, इन सब का डेटा कलेक्ट करना एंड कोलेट करना मीन्स जितने भी डेटास हैं उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके देता है. फिर क्या करता है, ये फूड सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करने के लिए पूरे कंट्री में एक नेटवर्क बनाता है. ठीक है, फिर जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए वो बताता है. फिर फूड एंड फूड प्रोडक्ट के लिए इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देता है. फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड के लिए ये जनरल अवेयरनेस को प्रमोट करने का काम करता है. देन रिस्क एनालिसिस मेथोडोलॉजीज के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए ये बताता है. तो ये सारे रोल्स FSSAI प्ले करता है.
अब देखते हैं कि फूड अथॉरिटी कैसे बनता है। तो फूड अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन होता है और 22 मेंबर्स होते हैं। और ये जो मेंबर्स हैं वो पहले कैसे सेलेक्ट किया जाता है, एक सिलेक्शन कमेटी होती थी जो रिकमेंड करता था, उसके अकॉर्डिंग इनके ये चेयरपर्सन और मेंबर को सेलेक्ट किया जाता था। बट रिसेंटली 2 अक्टूबर 2020 को इसमें अपडेट किया गया और अब कोई सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड नहीं करती। ये सारे सिलेक्शन जो है मेंबर के सिलेक्शन या चेयरपर्सन का सिलेक्शन खुद FSSAI खुद ही करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक है कि ये जो मेंबर्स हैं इसमें 1/3 आपका वीमन होना चाहिए। अब देखते हैं ये 22 मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो 7 मेंबर्स जो होते हैं इनका जो रैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्रीज के ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम रैंक के नहीं होने चाहिए। 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे फूड इंडस्ट्री से, जिसमें से एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का होगा। 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से। फिर 3 इमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। 5 मेंबर्स लेंगे, 5 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है और इनको हर 3 साल में रोटेट किया जाता है। और ये एक जोन से सेलेक्ट किया जाता है जो स्पेसिफाइड होता है, जो स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल में, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पर्सन आपके रिप्रेजेंट करेंगे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से और 1 पर्सन होगा जो रिप्रेजेंट करेगा रिटेलर्स ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरह से आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी फॉर्म होता है। तो इस तरह से हमने देखा इस वीडियो में कि FSSAI कैसे एस्टेब्लिश हुआ। पहले इतने सारे 7 आपके ऑर्डर और एक्ट थे जिनको कंसोलिडेट किया गया किसके द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के द्वारा। और इसको अप्लाई करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 में फॉर्म हुआ, जो अप्लाइड जो रेगुलेशन के फॉर्म में नोटिफाइड किया गया 5 अगस्त 2011 को, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना FSSAI, वो अंडर सेक्शन 4 के तहत बना, ठीक है। सो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आने वाली वीडियोस में हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को डीप में स्टडी करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जो AGM और FSO में मोस्टली पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever we will upload our next video.